मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ नगमा जी का कि वो हमारे बीच में आई हैं और बहुत दूर से आई हैं। मैम आइए आइए प्लीज, बहुत देर से कम 4 घंटे से आपका इंतजार ये लोग कर रहे हैं, सब परिवार के लोग हैं और इसीलिए इतनी देर बैठ भी गए, नहीं तो आजकल ठंड में लोग फटाफट भाग जाते। मैं चाहूंगा आप 2 शब्द कहें इनके सामने। मंच पे उपस्थित हमारी बहन अमृता धवन जी, यूथ की बड़ी जुझारू नेता है और अमनदीप तो है ही, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और आप सबको भाइयों बहनों दोस्तों माताओं बच्चों सबको मेरा बहुत बहुत प्यार सप्रेम नमस्कार। मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ही होता है, ट्रैफिक बहुत है और हमारी जो पार्टी है हमको एक तरफ से दिल्ली के दूसरे तरफ पे मीटिंग देती है फिर इसी तरफ पे वापस बुला देती है, तो इसीलिए हम बुरी तरह से फंस जाते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा चलना पड़ता है। बट मुद्दे की बात पर आती हूँ, आने वाली 8 तारीख बहुत ही अहम है और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रोज रोज भाजपा की झूठी जुमलेबाजी जो चल रही है और फिजाओं को गर्म रखने की एक कवायद जो चल रही है, एक तरीके से जो कह सकते हैं कि विभाजनकारी नीति जो उनकी चल रही है वो जोरों शोरों से चल रही है, वो इसलिए है कि पिछले 13 साल से वो MCD में है और कुछ कर नहीं पाए। महंगाई अपने चरम सीमा पे है, युवाओं को नौकरियां नहीं है, पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने, अगले 5 साल और वोट किसी को भी बीजेपी को दिया तो फिर पकौड़े तलने पड़ेंगे, ये तय कर लेना। 15 लाख रुपए मिले नहीं और जो इनके झूठे वायदे थे कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे तो उसके हिसाब से 5.5 साल हो गए तो इन्होंने 11 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी लेकिन अब तक इन्होंने सिर्फ 1.5 करोड़ नौकरियां दी है। तो आप लोगों को ये सोचना है, ज्यादा बहुत समय नहीं है इसीलिए मैं बोलूंगी कि आम आदमी पार्टी के बारे में ये लोग पानी दे रहे हैं, वो गंदा पानी दे रहे हैं और जो इन्होंने बिजली मुफ्त देने का वायदा किया है 200 यूनिट, कांग्रेस पार्टी में मैनिफेस्टो जारी किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो 300 यूनिट मुफ्त देंगे और साथ साथ में युवाओं का जो भट्टा होगा वो भी वो 5,000 से 7,500 तक देंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। अब हम देख रहे हैं क्योंकि मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं महिलाओं के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगी कि इनके जितने भी नेता हैं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं लेकिन मैं कश्मीर की भी इंचार्ज हूँ और वहां पर कथुआ में एक छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ और कौन उसके पीछे पाया गया ये सब TV पर साफ साफ देख रहे हैं। मैं मेरठ से भी इलेक्शन लड़ी हूँ और उत्तर प्रदेश में भी क्या हाल है, किस तरह से नौजवानों को गोलियां मारी गई, किस तरह से मेरठ से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में इन्हीं के जो नेता थे कुलदीप सिंह सेंगार किस तरह से वो रेपिस्ट निकले, इन्हीं के जो चिन्मयानंदा थे किस तरह से रेपिस्ट निकले। शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी बार 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 शाहीन बाग के बारे में बात करते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे अभी अधिकतर जो इम्पोर्टेंट मुद्दा मुझे आज लगता है दिल्ली में, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक तरह से दिल्ली की तरफ देखता है क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर हर जाति के और हर वर्ग के लोग रहते हैं और ये ऐसा शहर है जहां पर हिंदू मुस्लिम, यही शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक होके रहते हैं और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भी ये कहा सबका साथ सबका विकास ये सब झूठ का है क्योंकि वो इसके में मानते ही नहीं है, ये जो CAA और नागरिकता देने की बात करते हैं ये सब झूठ बात करते हैं क्योंकि ये जो CAA ये कई वर्षों से चलता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। इनकी गुजरात की जो CM है रूपानी जी उनको भी कांग्रेस पार्टी ने नागरिकता दी है,
जब जाके वो गुजरात के सीएम बने। त्रिपुरा के जो सीएम है उनको भी यूपीए ने नागरिकता दी है, जब जाके वो भी त्रिपुरा के सीएम बने हैं। तो ये जो झूठी कवायद जो ये फैला रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए, तो ये सीएए बहुत टाइम से चलता आ रहा है। इसमें जाति विशेष इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी को भी नागरिकता मिले, लेकिन हम कह रहे हैं कि जाति के आधार पर इसको मत करो, क्योंकि ये बापू का देश है। और जिस देश में गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग पे चलना सिखाया, वहीं पर इन्हीं के वित्त मंत्री विवादित बयान देते हैं कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को। तो कौन गद्दार है और कौन तय करेगा कि गद्दार कौन है? गद्दार ऐसे लोग हैं जो ऐसे विवादित बयान देके लोगों में झगड़े लगाते, जिनके बयान पे दो दिन के बाद लोग आके गोलियां चलाते और तीन दिन तक लगातार गोलियां चलाते रहते। और ये सरकार इतनी निकम्मी है बीजेपी की कि लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है और ये अब तक नहीं ढूंढ पाए कि एक महीना हो गया कि वो नकाबपोश लोग जो जेएनयू में घुसे थे, जामिया में घुसे थे, ये लोग कौन थे, इनको क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक। तो बहुत सारी जवाबदारी उन्हें देनी है। बजट एक साल का होता है, एक साल का लेखा जोखा देना होता है, लेकिन ये लोग सपने दिखा के साथ साथ आठ आठ साल का हिसाब किताब बता देते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अब तक एक नहीं दिखाई दी, अब ये लोग बोल रहे 5 और बना लेंगे। पहले वो 100 जो वादे किए थे आपने 2014 से, पहले वो तो कंप्लीट करो। और इतनी सारी नौकरियां जो आपने दी, पहले तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, अभी तो युवा भी आत्महत्या करने लगे हैं। और ये मोदी जी, ये टाइम हो गया बोल रहे मुझे, तो अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। अमनदीप के बारे में मैं अब बोलूंगी, पर अमनदीप के बारे में बोलने से पहले मैं ये बताना चाहती हूं कि अगर दिल्ली में ये जो प्रगति है, विकास है, जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है या शीला जी ने किया है। दिल्ली में जो प्रगति और विकास है, इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है और आम आदमी पार्टी का कोई हाथ नहीं, और ये हाथ है जो आपका साथ हमेशा से देगा। अमनदीप एक नौजवान लड़का है, इसके इरादे नेक है, और ये ऐसी पार्टी से बिलोंग करता है जिसने बहुत अच्छा करके दिखाया है, जिस पार्टी के कथनी और करनी में फर्क नहीं, लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और आम आदमी में वही है। तो मैं यही कहना चाहती हूं, नागरिकता सबकी रहेगी, एक बात अमन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो बात है नागरिकता के ऊपर, जो मैं लास्ट बात कहूंगी कि ये जो नागरिकता की प्रक्रिया थी सीएए और एनआरसी की, ये असम में की गई थी और इसमें 19 लाख लोगों की नागरिकता चली गई थी, जिसमें से 2 लाख सिर्फ मुसलमान थे, बाकी सारे हिंदू भाई थे। तो माफी चाहती हूँ कि अभी इस वक्त में बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन आने वाली 8 तारीख सबके लिए बहुत अहम है, इसीलिए आप अगर नागरिक रहेंगे, खास करके वो लोग जो 36 रुपये दिन का कमाते हैं, आपको उनके लिए भी सोचना है, अपने लिए भी सोचना है, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सोचना है और अच्छी एक लाइफ के लिए सोचना। और मुझे अच्छा पता है कि अमनदीप आप लोगों के लिए पुरजोर तरीके से खड़े रहेगा, आपके बीच का लड़का है, आपका अपना लड़का है, इसे जिताकर अपने आप को जिताइएगा, इतना ही कहूंगी। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुझे आश्वासन दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर एक बार माफी चाहती हूँ कि आप लोगों को इतनी देर रुका के रखा। जाते जाते बस मैं यही कहूंगी कि वाहेगुरु जी दी खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। धन्यवाद। हाँ बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। हाँ वाह, तो आप सबका वाह और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अमनदीप, फिर एक बार माफी चाहूंगी सबसे, आप सबको रुकाने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, और वादा लेके जाती हूँ कि जब जीतोगे तब मेरे को फिर बुलाओगे ताकि मैं टाइम पे आके सबके साथ में जश्न मनाऊं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया, हम सब इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर, आप सब लंगर चक्कर जाएंगे, सामने सबका इंतजाम है।